यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंदिर के मुद्दे का फायदा बनारस के बाहर के लोगों को जितना होगा बीजेपी को, उतना बनारस शहर के अंदर नहीं होगा, क्योंकि बनारस के जो आम आदमी हैं उनको काशी विश्वनाथ का वही स्वरूप जो है दिखाई देता है जो पहले था। बनारस से लेकर के जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया, देवरिया का भी एरिया आप रख लीजिए, राजभर एक प्रमुख भूमिका में है। में जितने राजभरों का वोट उधर ओम प्रकाश राजभर के चलते चला जाएगा उसका असर पड़ेगा और सपा यहाँ पर मजबूत हो। नमस्कार, यूपी तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के 2 चरण हो चुके हैं और लगातार आगे बढ़ रहा है, और अब जो चुनाव है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुद्दों में भी अब बदलाव हो रहा है, सियासत भी बदल रही है, और सियासत के साथ में उत्तर प्रदेश के समीकरण क्या होंगे चुनाव के, ये भी बहुत एक रोचक मुद्दा होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारी मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। वाराणसी में रविदास जयंती के मौके पर तमाम बड़े नेताओं ने रविदास जयंती पर रविदास को याद किया, उन संत के संदेशों के बहाने कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद दिखाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के दोनों बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय सिंह और तमाम नेताओं की मौजूदगी यहां पर दिखाई दी है। लेकिन बनारस के साथ साथ पूर्वांचल में इस बार क्या होगा, ये जानने के लिए हम वाराणसी के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की और जानेंगे कि आखिर पूर्वांचल की लड़ाई में क्या होगा। सर, आपका नाम बताएं। रमेश चंद्र है। रमेश जी, ये बताइए कि इस बार पूर्वांचल में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? पश्चिम की लड़ाई तो जाट मुस्लिम समीकरण, किसानों की नाराजगी और कई मुद्दों पर था, पूर्वांचल में क्या होने वाला है? पूर्वांचल में कोई मुद्दा नहीं होगा, पूर्वांचल में एकदम जाति आधार पर चुनाव होने जा रहा है। अपर कास्ट भाजपा के साथ आएगी और बैकवर्ड जो है वो सपा के साथ आएगा। विकास के मुद्दे, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम समीकरण, बागी नेताओं की मौजूदगी, बाहुबलियों का वर्चस्व, ये सब चीजें दिखेंगी क्या हमें? हिंदू मुस्लिम तो नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया है। बाहुबली जो लड़ेंगे तो अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत सकते हैं, बाकी कोई मतलब उनका नहीं होता है। अब मुद्दा उद्दा चुनाव नहीं होता, भले सब लोग उठा दे, आप कई जगह घूमे होंगे, देखे होंगे, मुद्दा कौन, पब्लिक कहाँ मुद्दा वो करती है, जो वर्कर्स होते हैं। विकास एजेंडा नहीं है, घूम फिर के जातिगत समीकरण उसी आधार चुनाव हो गए हैं। अच्छा, पूर्वांचल की लड़ाई इस बार दिलचस्प है? हाँ, दिल्चस्प कि आप एक तरफा होने वाली? नहीं, एक तरफा नहीं होगी, बहुत दिलचस्प है और बहुत कांटे की टक्कर है। ये नहीं कि कोई एक तरफा जीत जाएगा, एक तरफा नहीं कोई, मतलब 164 में जो 117 सीटें 115 सीटें बीजेपी को मिली थी, अभी स्थिति नहीं होगा, इस बार बहुत एकदम नेट टू नेट फाइट रहेगी। चलिए और भी मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ में राय साहब हैं। सर, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में, चूंकि बनारस से खुद प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ खुद एक प्रत्याशी के तौर पे हैं, बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, बीजेपी को फायदा तो पिछले चुनाव में भी मिला था, और जहाँ तक जो विकास के मुद्दे की बात है तो विकास के नाम पर तो बनारस में ही सारा विकास दिखाई दे रहा है, और खास करके शहरों में और जो शहरी जो जीवन धारा है उससे जुड़े हुए, चौड़ी चौड़ी सड़कें, एयरपोर्ट तक की जो है अच्छी। मंदिर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, काशी की तस्वीर दिखाई है बीजेपी ने, उसका फायदा मिल रहा है? दोनों चीजें मैं आपको बताऊं, मंदिर के मुद्दे का फायदा बनारस के बाहर के लोगों को जितना होगा बीजेपी को, उतना बनारस शहर के अंदर नहीं होगा, क्योंकि बनारस के जो आम आदमी हैं उनको काशी विश्वनाथ का वही स्वरूप जो है दिखाई देता है जो पहले था, और इसमें प्लस और माइनस भी है, कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ बुरा भी हुआ है। बुरा विकास के मुद्दे हैं क्या सर? पूर्वांचल में विकास की धार बह गई थी, एक्सप्रेसवे से उठा लीजिए, मेडिकल कॉलेजेस ले लीजिए, प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ यहाँ पे कार्यक्रम किए थे पिछले दिनों, वो एक एजेंडा है? चलिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, बनारस पूरे पूर्वांचल में सड़कें बनी हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वगैरह बने हैं, तो इसका फायदा जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को कितना मिल रहा है, ये पूरा पूर्वांचल गरीबों का क्षेत्र है, और यहाँ पर उन चौड़ी सड़कों को बनाने के लिए जो पुरानी सड़कें थीं उनकी जो हैसियत थी वो बद से बदतर हो गई है, इतनी ओवरलोडेड जो है मिट्टियों की ढुलाई हुई है, मतलब ऊपरी तौर पे चीजें नजर आ रही हैं, जमीन पर असर अलग। वो देखिए, विकास जो दिखाई दे रहा है वो वोट में कन्वर्ट होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी सबसे जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार बीजेपी का वोट परसेंटेज गिर रहा है,
कम होगा, सब जगह गिर रहा है। चलिए और मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार है। सर आपका नाम बताएं। सियाराम यादव। सियाराम जी ये बताइए मुझे कि आप पूर्वांचल की लड़ाई में दिलचस्पी इसलिए भी आ जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री एक चेहरा होते हैं और आने वाले समय में जिस तरीके का कैंपेन चल रहा है पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पूरा फोकस पूर्वांचल होगा, इसका फायदा बीजेपी को इस बार उस तरीके से देख रहे हैं जैसे 17 में था? वैसा कुछ तो नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरह से आप उसको इस तरह से ले सकते हैं कि बनारस शहर होने के चलते यहाँ की स्थितियाँ थोड़ी दूसरी हैं और चूंकि ग्रामीण इलाका है और शहर होने के बावजूद चीज़ें यहाँ की दूसरी तरह से हैं। यहाँ लोग जिसे जो गाजियाबाद से लेकर के और ये बनारस शहर तक या गाजीपुर शहर तक या बलिया शहर तक या देहात तक ये चीजें थोड़ा बदली हुई आपको नजर आनी चाहिए और बदली गई। एक राजनीति के बदलाव की बात बीजेपी करती है, समाजवादी पार्टी के लिए नई सपा है, वो सपा नहीं है जो छवि बनाई जाती थी या कही जाती थी, लेकिन बाहुबलियों का वर्चस्व है पूर्वांचल में। एक एक नाम अगर हम गिना दें तो दिखाई देते हैं, क्या वो फिर से यहाँ दोहराया जाएगा या कुछ बदलाव या कुछ आप चीजें देख रहे हैं कि उनको स्वीकारता मिलेगी कि नहीं? दोहराया जा सकता है, कोशिश ये हो रही है कि दोहराया न जाए, लेकिन वो दोहराया जाएगा। और बाहुबलियों का जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, बाहुबलियों के नाम भी आ रहे हैं और वो एक्टिव भी है, वो काम भी कर रहे हैं और वो करें न करें, लेकिन यह है कि उनके पोजेज उस तरह के आ रहे हैं। हाँ, जिस तरह से मैसेज देने की कवायद बीजेपी ने की थी कि हमने एक अपराधियों के बैकग्राउंड के लोगों को रोका है, उनके उनके संपत्ति को गिराया गया है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो कभी किसी के बेटे को मिल जा रहा है, कभी किसी और रिश्तेदार को मिल जा रहा है। क्या वो इम्पैक्ट रहेगा उस बाहुबली का वहां? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल बाहुबलियों का इम्पैक्ट रहेगा। हालांकि कोशिश कर रहे हैं मोदी और योगी दोनों लोग और दोनों के नाम के साथ चीजें आ रही है तो वो दोनों का इम्पैक्ट रहेगा और दिखाई भी पड़ रहा है हम लोगों को। हम लोगों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से काम किया है तो वो चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं कि वो ये कोशिश चाहे जो ये लोग करें लेकिन वो चीज़ें आ रही हैं और लोगों के नाम भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। सर एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपका सर नाम बताएं। सुरेश प्रधान। सुरेश जी ये मुझे बताइए कि आप पूर्वांचल की लड़ाई पश्चिम से अलग कैसे है, मुद्दों के लिहाज से अगर देखें और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें ज्यादातर सीटें आएंगी आखिरी तीन चरणों में, लेकिन आप बड़ा फर्क क्या है पश्चिम और पूरब की लड़ाई में? देखिए सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर बहुत अधिक देखने को मिला और पूर्वांचल में वो चीज नहीं है। लेकिन पूर्वांचल में 2017 के विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक समीकरण बना था 2022 में वो समीकरण नहीं है, वो टूट चुका है। तब सुहेल देव भाजपा के, ओम प्रकाश राजभर जो है भाजपा के साथ थे, अपना दल भाजपा के साथ। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, ओपी राजभर की भूमिका वाकई में देख रहे हैं या केवल ये चर्चाओं में ही है? जमीन पर ओपी राजभर सिग्निफिकेंट होंगे? ये जमीन पर आपको नजर आएगा क्योंकि पूर्वांचल में बनारस से लेकर के जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया देवरिया का भी एरिया आप रख लीजिए, राजभर एक प्रमुख भूमिका में है और वो संगठित ताकत के रूप में। बीजेपी ने गैर यादवों पर दाव लगाया है, समाजवादी पार्टी भी गैर यादवों को ज्यादा टिकट इस बार देती नजर आई, अखिलेश यादव ने कोशिश की उसे बदलने की, वो कहीं पे फायदा देगा बीजेपी या दूसरी पार्टी? नहीं नहीं, जमीन पर स्थिति ये है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद ये चुनाव होने जा रहा है और इन दोनों को लोगों ने नजदीक से झेला है तो ये एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई का सवाल भी जो है खड़ा हुआ है, मतलब इसमें सवाल जवाब देने पड़ेगा। जिस चीज की आप बात कर रहे थे अभी, एक सवाल उठा था कि बनारस में विकास का मुद्दा, तो बनारस में विकास के साथ धरोहर का भी मुद्दा उठ रहा है। जिस शहर दक्षिणी में जहां पर विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर एरिया है वहां पर कम से कम 450 घरों को जो है जमींदोज कर दिया गया, उसमें दो लाइब्रेरियां हैं, एक कारमाइकल लाइब्रेरी जो 150 वर्ष पुरानी लाइब्रेरी थी, दूसरी जो है गोयनका पुस्तकालय, एक वृद्धा आश्रम था उसको तोड़ दिया गया, तो ये सब और कई देवी देवता वहां पर
जो काशी विद्वत परिषद है उन्होंने एक मंत्र शुरू किया था, चालन पद्धति का मंत्र, और वो मंत्र पढ़कर किसी भी देवता को विस्थापित कर दे रहे थे। जैसे लोगों को विस्थापित किया गया वैसे देवी स्थानीय तौर पे उसका असर भी दिखाई देगा, बहुत बड़ा असर ये मुद्दा बनने जा रहा है, और शहर दक्षिणी में ये बड़ा मुद्दा एक होने जा रहा है। एक ये दूसरा गंगा का, गंगा में बढ़ता प्रदूषण। अभी मई जून 2021 में गंगा का पानी जो है हरे रंग का हो गया था, काई और शैवाल जमने के कारण। गंगा के उस पार एक 5.5 किलोमीटर लंबी रेत की नहर बनाई गई थी, जो बनने के ये फरवरी मार्च अप्रैल 2021 में बनी थी, लेकिन बाढ़ जब आया तो गंगा का मुद्दा भी रहेगा, सफाई का मुद्दा भी रहेगा, और स्थानीय मुद्दे जो आप बता रहे हैं बहुत दिलचस्प होंगे। जी विशुद्ध रूप से जो ये रेत की नहर बता रहे हैं वो विशुद्ध रूप से वो भ्रष्टाचार है, उसका कोई हिसाब नहीं कि आखिर इतने जो है बड़े बड़े जो है वो लगा करके जो है सब मशीनों से उसकी खुदाई की गई, और ये सामान्य सी बुद्धि की बात, सामान्य सी योजनाओं पे सवाल हो गए, बहुत दिलचस्प मुद्दा है। मैं एक और आखिरी कमेंट ले रहा हूँ, जगधारी जी हमारे साथ में, सर आपको पूरा नाम बता दीजिए। हाँ, मैं जगधारी सिंह हूँ। ये मुझे बताइए कि हम तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं लेकिन चूंकि समय कम है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरब की लड़ाई में अखिलेश यादव कितने यहाँ पर आपको स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा पश्चिम में तो जयंत चौधरी के साथ में कच्चा गठबंधन था, पूरब में भले उन्होंने राजभर को लिया है, महान दल को लिया है, छोटे छोटे दलों को साधा है, छोटे दलों की भूमिका क्या पूर्वांचल में सिग्निफिकेंट होगी, एक असर दिखेगा उसका? वो है अंतिम समय तक जिसको जो देखेंगे उसी को ये करेंगे, कास्ट पर तो आधारित है ही, और यहाँ का तो जैसे कि बता दिया गया कि दक्षिणी में मतलब कि भाजपा की दाल नहीं गलेगी, तमाम मुद्दों की बात हुई है, लेकिन अन्य जो क्षेत्र है उसका जो पूरा राज्य के स्तर पर वेब चल रहा है उसका असर पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो ट्रांसफर की बात आती है, छोटे दलों के साथ गठबंधन अगर आप करते हैं, निषाद पार्टी और अपना दल के साथ में भी बीजेपी ने अच्छी खासी क्या वो ट्रांसफर हो? हाँ, वो जिसको देखेगा कि कैंडिडेट कौन जीत रहा है उसी को देंगे, बसपा में और सपा के बीच में। यहाँ बसपा भी राजभरों के वोट पर मतलब कब्जा करना चाहती है और सपा भी करना चाहती है, तो इस स्थिति में जितने राजभरों का वोट उधर ओम प्रकाश राजभर के चलते चला जाएगा उसका असर पड़ेगा और सपा यहाँ पर मजबूत होगी। सहयोगियों को क्या वोट ट्रांसफर होगा, चाहे बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, या वहाँ पे अड़चन आ सकती है? हो सकता है, होगा ट्रांसफर, होगा 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 बिल्कुल। पूर्वांचल के मुद्दे काफी दिलचस्प है, और पत्रकारों के साथ में हमारी जो बातचीत आज की रही उसमें ये चीज निकल के आ रही है कि पश्चिम की लड़ाई पूरब से बिल्कुल अलग है। जातिगत समीकरणों पे चुनाव होता है, विकास का मुद्दा होता है, हिंदुत्व का मुद्दा होता है, और खास तौर पे बीजेपी के लिहाज से जिस मॉडल को बीजेपी ने पिछले दिनों दिखाया और विकास की जो बयारबाजी थी उससे कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन पश्चिम के बाद अब पूरब के चुनाव में थोड़ा समय बाकी है, समीकरण रोज बदल रहे हैं, लोगों की राय भी बदलेगी, लेकिन यूपी तक आपको बताता रहेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हो रहा है। फिलहाल के लिए मेरे सहयोगी संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी।